मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शाहपुर में अतिक्रमण की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी का रूह जारी है, क्योंकि आप पहले ये बयान सुनिए। ये बयान है शाहपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष युवराज महाजन का। ये बयान इन्होंने दिया था शाहपुर में निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान की सभा में। आप ये बयान सुनिए। शाहपुर में जो हरकतें हो रही, परसों भी यहाँ देख लिया आप लोगों ने, यहाँ बच्चे खुशी मना रहे थे और कुछ हरामखोर वहाँ पे हरकतें करने आ गए थे। बेटा बाप होता है, बाप ही होता है, समझे? तुमने हमको छेड़ा है, तुमको 5 साल बता देंगे कि तुम कैसे नगर पालिका चलाते हो। ये बयान आपने सुन लिया है तो आप समझ सकते हैं कि किन मायनों के बाद जिस तरीके से शाहपुर नगर परिषद को आड़े हाथों लिया गया था, जिस तरीके से मर्यादाओं को तार तार करता हुआ यहाँ पे भाषणबाजी हुई थी। अबे डीजल खा रहे हो, हराम करो डीजल खा रहे हो, और देखो पैसा ले लो, खाना खा लो, ये हराम का दे रहे हो, अपने को पाप नहीं बनने का खा लो। इस भाषण के बाद ही कहीं ना कहीं शाहपुर नगर पंचायत की रडार पर युवराज महाजन आ गए थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, ऐसे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से युवराज महाजन ने इस सभा में दहाड़े थे, जिस तरीके से नेताओं को आड़े हाथों लिया था, हो सकता है ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम हो। लेकिन शाहपुर नगर पंचायत के CMO JP गुहा ने साफ तौर पर कहा है कि NHAI की ने पत्र लिखा था कलेक्टर को, जिला प्रशासन को लिखा था, जिसके बाद ये अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई है। बहरहाल जो भी हो, आप ये शाहपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष युवराज महाजन का बयान सुनिए, ये सभा सुनिए, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये कार्रवाई किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है। बहरहाल हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट मिले थी खबर। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख उसको फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पैसे बांट रहे ले लो, अरे इनके पास गलत पैसे है, सबको मालूम है कौन से पैसे है। और विकास विकास की बात करते हैं, क्यों भाई अभी 5 रोड बने, विधायक तो कोई भी रहे सरकार देती है, ये अपने नाम पे लिखवा रहे। संग्रामपुर से गोरड़ा, भंभाड़ा से खम्बी, मालवीर से मोहत, और एक कौन सा रह गया मेरा, उदयनदेव, 5-6 बार तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, इच्छापुर से खापर खेड़ा। सरकार कोई भी रहे सरकार देती है, लेकिन उसमें दमदार विधायक भी होना। और हर्षू को हमने देखा है, दिल्ली में भी देखा है और भोपाल में भी देखा है कि दमखम वाला है, उसमें पूरी नंदुभैया की छवि उतर गई है। अरे हमारे उसके नाम से हमारे लिए मंत्री एक घंटा खड़ा रह रहा था बाहर, हम टिकट के लिए लाइन में लगे थे, टिकट के लिए हमको लगता था कि लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन मंत्री खड़े रहते थे उसके लिए, इतनी कीमत उसने जमा ली है। और कोई पद पे रहते हुए भी नहीं, सबके काम किए उसने। शाहपुर की माटी हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा मिसाल है। इन्होंने विकास की कंगा कहां वही देख लो, बता देता हूं, बस स्टैंड कहां बना है, वहां सिर्फ ट्रक खड़ा रह रहा है, नालियां कहां बनी है, खेतों में लोगों के, ये विकास हो रहा है। उस टाइप डैम बना है, वो गंदा पानी रोकने के लिए बना है, ये विकास कर रहे नगर पालिका की। मेरे पास गांव के भी है खबर, लेकिन मैं गांव के शहर पर बोलना नहीं चाहता भाई, क्योंकि 45 साल से हम इस बिल्डिंग पे अपना ये लगाना मतलब चाहते थे कि लग जाए हमारा यहाँ पे एक झंडा गड़ जाए, लेकिन शेरू सेठ के परिवार ने कभी हमको हाथ नहीं लगाने दिया, मान सम्मान बराबर दिया, नंदू भैया जाए
तो वहां पे बैठे, लेकिन झंडा नहीं लगने दिया। और सामने में से बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो भी करोड़पति आदमी है, वो भी खुलेआम साथ दे रहा है। राजेंद्र भाई चौक से ये बैठे यहाँ पे पीछे, खुलेआम साथ दे रहा है। ये खुशी 45 साल में मेरे को और मेरे साथ जितने लोग हैं उनको कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। हमको खुशामद करना पड़ती थी, अरे भाई गाड़ी भेजेगा यार, अरे दादा आ जाना, 5-6 लोग बैठ के आ जाना है, अरे बगैर बुलाए आए लोग, ये हराम घर बोलते कि पैसे चाहे। यहाँ इनको मालूम नहीं है कि लगन क्या है, दिल से बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं। अरे गांव में झगड़े हो रहे हैं यार कि मेरे गांव में आना चाहिए ना मेरे गांव में नहीं आना चाहिए। कल बम्बाड़ा में और धामनगा में झगड़े हो रहे थे कार्यकर्ताओं के कि हमारे गांव में पहले आना चाहिए। अरे लगन क्या, लोगों ने तो बच्चों ने तो इतना सर्वे उठा लिया है कि उस बच्चे की तकलीफ भी देखने को तैयार नहीं है। उसकी कमर दुख रही, पैर दुख रहा, कुछ भी हो गया चलेगा, यहाँ तक तो चलाओ। और करोड़पति घूम रहे गाड़ियों में, वोट मांगने के लिए गाड़ियों में घूम रहे, ऐसा ऐसा करते। मैंने आज एक नंदव्या के लिए शेर लिखा है, अरे मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ यार, पढ़ ले नंदू भाई। कुदरत ने यह मेहरबानी की है इस बच्चे पर, कुदरत ने यह मेहरबानी की है इस बच्चे पर। वो कहता है वो रंग भरे है मैंने तेरी तस्वीर में, वो रंग भरे है तेरी तस्वीर में मैंने, लोग देखेंगे तुझको और मैंने जानेंगे मुझको, मतलब नंदू भैया को जानेंगे, लोग देखेंगे तुझको और लोग मुझे मानेंगे, मतलब मेरे को नहीं नंदू भैया की बात चल रही। वहां देखो इनके मैं लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके दिलों में नंदू भैया ने राज किया है और नंदू भैया ने काम किया है, कभी विरोध में काम नहीं किया कि सिर सेठ को कहीं अटका दो। यहाँ के 25 दुकानदारों को बंद किया, भूल गए क्या दुकानदार, दिवाली की रात को बंद किए था उनको, और पड़वे की टक्कर की दिन खोला था उनको, पड़वे की टक्कर भी होगी और हेलो की टक्कर भी होगी। हमको तुमने जगा दिया है, अब देखना बेटा कि हम तुम्हारा कैसा आश्रय करते हैं। मेरे को अब भीड़ देख के मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात बता देता हूं, 17 तारीख तक ऐसा ही हुजूम बना के रखना, इनकी सब हवाएं बर्बाद हो जाएगी, गड़बड़ गाली हो जाएगी, इनकी सब इनके पैसे भी इनके सब वहीं के रह जाएंगे, तीसरे और चौथे के लिए लड़ रहे हैं अभी। अब लोगों में क्या बोल रहे हैं, हरकतें क्या कर रहे हैं ये, लोगों में हरकतें कर रहे हैं कि मुसलमान झुकुन जाती, अरे चाहता है मुसलमान या लेकर ले या लेकर प्रेम झुकता है कि हमारा तप्ती भर का गंगा जमुना का हमने दिया हुआ भोज है, वो बीज को कौन निकालेगा, ये बच्चा निकालेगा बाहर। जय हिंद, जय भारत।